नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आपका गार्डनिंग दोस्त अपने ही गार्डनिंग चैनल जुगाड़ गार्डन से आज आपके बीच में फिर हाजिर हूँ। आपका स्वागत है दोस्तों। मानसून कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है, कहीं बारिश शुरू हो चुकी है, कहीं शुरू होने जाएगी। उससे पहले मैं आपको अपने टेरेस गार्डन को, अपनी जो मेहनत कितनी करी अपन ने कि साहब सारे पेड़ पौधे हमारे पले पलाए हैं, उनको मानसून की तेज़ हवाएं या तेज़ पानी नुकसान ना पहुंचा पाए, उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स या आपको कुछ सावधानियां बताने जा रहा हूं। जो ह्यूमिडिटी का मौसम होता है वो बहुत ही पौधों के लिए अनुकूल होता है। अगर आप अपने गार्डन में नए पौधे शामिल करना चाहें ना, तो इस ये समय आपका सबसे बेहतरीन समय है। इस समय के उगाए हुए पौधे कभी आपके मरेंगे नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगर गार्डनिंग के शौकीन हैं तो इस समय किसी भी नर्सरी से जाके अपने मनपसंद पौधे लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहली टिप्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कुछ हल्के गमले हों, जैसे प्लास्टिक के, जैसे ये वाला है इस टाइप के, और ये पौधा अगर आपकी किसी मुंडेरी पर रखा हुआ है छत की या गार्डनिंग टेरेस गार्डन पर, तो ये निश्चित रूप से तेज़ आंधी में और तेज़ हवा के झोंके से गिर जाएगा और गिर के ये टूट सकता है, आपकी इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी, ये पौधा नष्ट हो सकता है, आपकी मेहनत जो है बेकार जा सकती है। तो सबसे पहले ऐसे पौधों को जो हल्के हैं उनको हमें उतार कर ऐसी जगह प्रोटेक्ट करना है जहाँ कि ये गिरे नहीं और आपका पौधा खराब नहीं हो। दूसरी प्रमुख टिप्स मेरी ये है कि जैसे ये गमला है, अब आपका ये देखिए, ये ड्रेनेज होल सारे गमलों के आप समय रहते चेक कर लीजिए, ताकि इसमें मानसून का जो तेज़ बारिश का पानी है भरकर स्टोर ना हो जाए और ये आपके पौधे की जड़ों को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ से कुछ ही धारदार नुकीले उससे अपने ड्रेनेज होल को चेक करके ये देख लें कि हाँ वास्तव में छेद सही हैं, जिससे कि पानी आपका पूरा ड्रेनेज होल से निकल जाए। तीसरी टिप्स, सेकुलेंट टाइप पौधे, जैसे ये मेरा जेट प्लांट है, ये छोटे से गमले में है, अगर ये बाहर रखा है, धूप में रखा है, तो ये पानी जो बरसात का है वो इसको नुकसान पहुंचाएगा, ज़्यादा पानी इसकी रूट जड़ें गल जाएंगी। इसके लिए हमें करना क्या है कि इसको ऐसे जितने भी सेकुलेंट टाइप के पौधे हैं उनको हमको एक शेडी एरिया में रख दिया जाए जहाँ बरसात का पानी इनको नुकसान ना पहुँचा पाए। चौथा ये कि आपका ये मानसून का जो पानी होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे पौधों के लिए अमृत के समान होती है, और बरसात का पानी वैसे भी पौधों के लिए अमृत होता है। आपने देखा होगा बरसात के टाइम में ही सबसे ज़्यादा हरियाली होती है। तो हमें अपने पौधों को केमिकली खाद या कोई किसी भी तरह की खाद प्रोवाइड नहीं करनी है, क्योंकि खाद देने से कोई मतलब नहीं रहेगा, पानी आएगा, पानी के जरिए खाद बह जाएगी तो वो पौधों को नहीं लगेगी, और नाइट्रोजन का पानी जो बरसात का होता है वो अपने आप में ही एक खाद का वो होता है, तो आप उसमें खाद ना दीजिए। देखिए कुछ इस तरह के बड़े पौधे होते हैं जो छोटे गमले में होते हैं। देखिए ये चंपा का, प्लूमेरिया का मेरा पौधा कितना बड़ा है, करीबन 4 फुट के आसपास हाइट है इसकी, और ये देखिए मोटा स्टेम इसका। अब ये पानी के झोंके से, अगर हवा के झोंके से ये गिर सकता है इधर उधर, तो इसके लिए मैंने क्या करा है, देखिए इसको ये सहारा देके इसको बांध दिया है। अब ये जब हिलेगा कहीं नहीं जाएगा ये पौधा और ना टूटेगा। तो इसलिए एक सावधानी ये भी बरतनी है कि इस तरह के बड़े पौधे जितने भी हैं, जैसे ये देखिए तो चंपा का ये वाला मैंने बांध रखा है, ये देखिए, तो इनको बांध देना है अपने को, जिससे ये गिरे नहीं। कुछ पौधों में ये रूट बाउंड हो जाती है, जैसे ये रूट पूरे गमले में फैल चुकी हैं, तो ये वाला जो मानसून का मौसम होता है ये सबसे अच्छा होता है जब हम ऐसे पौधों को दूसरे इससे थोड़े से बड़े साइज के गमले में ट्रांसफ़र कर दें, तो उससे पौधा बहुत बढ़िया एकदम ग्रो करेगा अपने आप को और उसको खाद पानी भी मिलेगी। तो जिनकी ये रूट बाउंड हो गई नीचे ज़मीन में से निकले हैं, जैसे इस पौधे की ज़मीन में से निकली हुई है ना, ये ऊपर, ये देखिए,
तो इनको दूसरे बड़े गमले में हम ट्रांसफ़र इसी समय कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि बरसात में पौधों में फंगस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इसके लिए हमको बाज़ार से एक फंगीसाइड पाउडर आता है, उसको लाकर स्प्रे बोतल में डालकर और हर पौधे की जड़ों में और हर पौधे की शाखाओं पर हमें स्प्रे करना चाहिए ताकि पौधे फंगस का शिकार ना हो। देखिए, पौधों की जो सूखी अपनी तली होती है ना, इसमें हमें बरसात से पहले गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए, जैसे इस टाइप की गुड़ाई। इससे क्या होगा कि एक तो देखिए पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो जब हवा पहुंचेगी तो उसकी जड़ें मजबूती से अपना विकास करेंगी। दूसरा ये कि जब बरसात का पानी आएगा तो ये स्पोरी हो जाएगा और इसमें से पानी ड्रेनेज होल के जरिए आसानी से निकल जाएगा, जिससे रूट में फंगस लगने की समस्या कम हो जाएगी। इस समय अपन मानसून से पहले हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली शाखा है, ये इधर जा रही है, इसको अपन कर सकते हैं। ये ज़्यादा लंबी हो रही है, एक पौधे को सुंदर सा आकार प्रदान करने के लिए, ये देखिए, ये यहाँ से, ये यहाँ से, अब पौधे का एक देखिए कितना सुंदर आकार हो गया। इस तरह अब ये पौधा दोबारा अपना नई नई पत्तियाँ, नई नई शूट निकालेगा, उसमें नए नए अपने वो आएंगे फूल। तो इस तरह हमको ये हल्की प्रूनिंग कर देनी चाहिए बरसात से पहले। जिन पौधों में ये पानी के लिए अपन जगह छोड़ते हैं स्पेस, ये वाली कुछ ज़्यादा है, जिसमें पानी भरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसको अपन क्या करें कि मिट्टी से थोड़ा थोड़ा सा स्पेस करके पूरा भर दें, ताकि बरसात का पानी आएगा तो वो उधर से निकल जाएगा। जैसे जिन पौधों में ये 3-3 इंच का स्पेस है ना पानी के लिए, इन पौधों को अपन मिट्टी डालकर थोड़ा ऊपर तक भर दें, ताकि ये पौधे में पानी जब पड़े बरसात का तो पानी इधर से भी जाए और ड्रेनेज होल से भी जाए, तो इसकी जड़ें सुरक्षित रहेंगी। अंत में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने हरे भरे गार्डन को देखकर सुखद अनुभूति महसूस करो, सुखद अनुभूति की सांस लो। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रकृति के संरक्षण के महान उद्देश्य में मेरे साथ शामिल होइए। कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी गार्डनिंग को आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। गुड बाय।